नमस्कार, आज आप जुड़े हैं द फैक्ट आई के साथ और आज ले चलते हैं आपको लोगों के बीच बताने कि जो बाबा राम रहीम के बारे में आजकल जो भी विचार मीडिया दिखा रही है, लोग सोच रहे हैं, उस बारे में लोगों का क्या कहना है और उनकी क्या राय है, पूछते हैं लोगों से जाकर, उन्हीं से। ना कोई तथ्य बनाएंगे, ना कोई बातें बनाएंगे, सिर्फ सच दिखाएंगे लोगों के साथ। ये तो डेली ये सब होते ही रहते हैं और वैसे जो इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं बाबा राम रहीम पे, ये सारे झूठ है, क्योंकि हम जानते हैं, हम इतने टाइम से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है। समाज को कितनी ज़रूरत है आज बाबा राम रहीम की। जब वो थे यहाँ पे तो उन्होंने समाज में इतनी सारी बुराइयाँ फैली हुई थी, तो वो बुराइयाँ ख़त्म कर दी थी, लोगों को नशे छुड़वा दिए थे, और आज वो नहीं है तो आज ये है कि वो बुराइयाँ फिर से पनप रही है, बुराइयाँ बढ़ रही है जोर शोर पे, लोग वैसे ही काम करने लग गए हैं। किस तरह के कार्य करते थे बाबा राम रहीम जो आज भी 6 करोड़ से ज़्यादा लोग के सर पे उनकी दीवानगी इस कदर चल रही है, अभी तक चल रही है। लोगों को मतलब अच्छे कार्य करने सिखाए हैं, मानवता भलाई के इतने सारे कार्य हैं। आज भी बुजुर्ग, बच्चे, यूथ डेरा सच्चा सौदा यूँ जाते रहते हैं, हमने देखा है अभी भी श्रद्धालुओं का सैलाब जुड़ा ही रहता है, वहाँ जाते ही रहते हैं। क्या वजह है इसकी, कोई रिश्वत दे के बुलाया जाता है उन्हें? नहीं नहीं, रिश्वत नहीं दी जाती है। जैसे कि अगर लोग होते हैं, जैसे तीर्थ स्थान पर क्यों जाते हैं, वो इसलिए तो जाते हैं क्योंकि जो जहाँ जाता है उसको वहाँ से सुकून मिलता है। अभी भी लोग जुड़े हुए हैं तो उनकी एक आस्था है, विश्वास है कि चाहे वो रहे या ना रहे, उनके जितने मानवता भलाई कार्य हैं उन पे लोग जोरों शोरों से बढ़ रहे हैं आज भी। मतलब बाबा राम रहीम आज यहाँ नहीं है फिर भी डेरा सच्चा सौदा में सारे कार्य यूँ ही चल रहे हैं? हाँ। देश की मीडिया, समाज और सरकार से आज आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे कि जो मतलब गुरुजी ने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं उनको, मतलब उनको अभी भी होना चाहिए, और जो उन पे आरोप लगाए गए ना वो सारे एक तरह से गलत है। जी, धन्यवाद।